So once again, sir, thank you very much for accepting my invite and gracing my YouTube channel. Really warm welcome and thanks for joining. Thank you. It's a pleasure to be here with you today. Yeah. So, sir, आपने गोल्डन ग्लोब रेस में पार्टिसिपेट किया है, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूमी है आपने, एंड यू वर नेवी कमांडर. तो हमारे इंडिया में कभी ये शौक जनरली लोगों में होता नहीं है. लाइक आई हैव बीन इन यूरोप एंड अमेरिका, सो आई हैव सीन पीपल यू नो हैव दैट पैशन कि वो बचपन से ही, मतलब अभी मैं अमेरिका में हूँ तो मैंने देखता हूँ कि लेक पे बच्चे जाते हैं, उनके डॉग भी साथ में होते हैं, दे स्टार्टेड सेलिंग. काफी लोग करते हैं, इनफैक्ट ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट में काफी करते हैं, बट इंडिया में मैंने ऐसा देखा नहीं है, ऐसा पैशन कि सेलिंग कर रहे हैं थ्रू आउट अराउंड द वर्ल्ड. तो सबसे पहले आप सर ये बताएं कि आपको ये शौक, पैशन, इंटरेस्ट कहाँ से जागा? देखो, सेलिंग का पैशन मुझको बचपन से था. मतलब मन बहुत करता था कि सेल करना है, लेकिन मौका कभी नहीं मिला. हाँ अभी ये मैं 1980s की बात कर रहा हूँ. तो उस वक्त अगर आपको सेल करना है तो आप सिर्फ नेवी में सेल करते कर सकते थे, क्योंकि बाहर ये क्लब्स वगैरह नहीं होते थे, और बोट को मतलब खरीद के ओन करना, कहाँ रखोगे, ऐसा बहुत मुश्किल होता था. तो इसीलिए मैंने नेवी ज्वाइन किया, और नेवी में ज्वाइन करते मैंने सेलिंग शुरू कर दिया. एज यू नो, जैसे हर कैडेट को एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना होता है, मैंने सेलिंग चूज़ किया. और करते करते 99 में मुझको एक रेस के बारे में पता चला जहाँ पर लोग अकेले राउंड द वर्ल्ड रेसिंग कर रहे थे. तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यू नो, कभी एक दिन जब पैसा हुआ तो मैं भी एक बोट खरीद के ऐसे ही मतलब दुनिया का सैर करके आ जाऊँगा करके. अभी मतलब अगले कुछ सालों में मैं जो डिंगीज होते हैं, छोटे बोट्स होते हैं, उसमें मैंने काफ़ी सेलिंग किया. नेवी के सेलिंग टीम में मैं मेंबर बन गया. उसके बाद एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद मुझको लगा कि अभी ये छोटे बोट्स का सेलिंग बंद करो और थोड़ा बड़े बोट्स में सेल करो. तो मुझको एक मौका मिला, एरिक्सन नाम का एक वॉल्वो ओशन रेस में पार्टिसिपेट किया था उस बोट ने. वो इंडिया में आई हुई थी, और उसमें उसको एक मैनेजर चाहिए था. मैं उस बोट का कोचिंग में आके मैनेजमेंट किया थोड़ा, और उसके बाद उस बोट में मैं बॉम्बे तक सेल किया. अब उस टाइम का ये सबसे मतलब टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस पोर्ट था, पूरा कार्बन फाइबर. 60 KMPH के स्पीड में वो मतलब सेल करता था. 70 फुट का बोर्ड था ये. अभी उसके बाद मुझको कोचिंग भेज दिया, क्योंकि वॉल्वो ओशन रेस आ रहा था वहाँ पर, एशिया में पहली बार आ रही है ये रेस, और मुझको यॉट सर्विसेज मैनेजर बना दिया. और कोचिन मतलब मजाक में लोग बोलते थे कोचिन में एक साइकिल रैली हुआ नहीं, और वॉल्वो ओशन रेस सीधा आ गया करके. 6 महीने मैंने उसका मैनेजमेंट किया. उसके बाद मुझको प्रोफेसर राधा कृष्ण, जो सर सीवी रमन के बेटे हैं, उनके साथ ओमान से येमेन तक सेल करने का मौका मिला. और जब मैं वापस इंडिया आया तो नेवी ने मुझसे पूछा कि एक नेवी के एक अधिकारी हैं, उनका नाम है कैप्टन दोंडे, वो सोलो राउंड द वर्ल्ड सर्कम नेविगेशन कर रहे हैं, वो 4 जगह रुकने वाले हैं, आप उनका शोर सपोर्ट बन सकते हो, कि मतलब इंडिया में उनको हेल्प कर सकते हो बोट प्रिपेयर करने के लिए. अभी मेरा काफ़ी तजुर्बा बन गया था बोट्स के साथ. वो वॉल्वो के उस बोट में सेल किया, प्रोफेसर राधा कृष्ण के बोट में सेल किया, फिर नेवी में ये छोटे जो बोट्स हैं उनका मतलब मैंने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, और वॉल्वो ओशन रेस का भी पूरा मैनेजमेंट का तजुर्बा था. तो मैंने हाँ बोल दिया, और ये कैप्टन धोंडे के प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर लिया. अब वो उन्होंने जब अपना सर्कम नेविगेशन ख़त्म किया, परिक्रमा जब ख़त्म किया और वापस आए, तो नेवी चाहती थी कि किसी ने तो अभी 4 जगह रुक के सर्कम नेविगेशन किया, कोई अकेला कर सकता है बिना रुके. एंड सीधा मेरे से यह सवाल किया, तो मैंने हाँ बोल दिया. उसके बाद मैंने एक नॉन स्टॉप सर्कम नेविगेशन कर लिया 2012-13 में. 5 महीने लगे, मुंबई से शुरू किया, करीब 22,000 मील तय किए मैंने, समुद्री मील. और जब वापस आए तो भारत के राष्ट्रपति मुझको रिसीव करने आए. ओह माय गॉड. अब मेरा ऐसा था कि ये मतलब शुरुआत है, तो इसके बाद मैंने तय किया कि एक रेस में पार्टिसिपेट करें. और वैसे गोल्डन ग्लोब रेस 2018 में पार्टिसिपेट किया. उसमें तो मेरा मतलब एक्सीडेंट हो गया, तो वो ख्वाहिश फिर से पूरा करने के लिए मैं 2022 के रेस में पार्टिसिपेट किया. हाँ जी, तो हम सर आएंगे 2018 पे भी आएंगे, 2022 पे भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले सर, मतलब आपको नहीं लगता है कि ये जो हॉबी है बहुत एक्सपेंसिव हॉबी है इन टर्म्स ऑफ, जैसे हम इंडिया में इसको अगर देखा जाए, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ हॉबी, कि याट भी है और हम बोट लेते हैं, चलो सेलिंग करते हैं. आपको नहीं लगता कि इसके लिए बहुत सारे
स्पॉन्सरशिप की भी जरूरत पड़ती है, और आपको इतना पैशनेट होना चाहिए कि आप सब कुछ इग्नोर कर दो अपनी हॉबी के लिए, अपने पैशन के लिए। देखिए, अब इंडिया से ऐसा एक रेस करने का काफ़ी डिसएडवांटेज है। एक तो है कि मतलब हमारा जो एवरेज इनकम होता है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये सब बहुत महंगा है। बिल्कुल मतलब एक बोट, अगर आपको 20 साल पुराना सेकेंड हैंड बोट भी लेना है तो कम से कम 70 लाख 80 लाख लग जाएगा छोटी सी एग्जैक्टली बोट के लिए। और लोग मतलब पूरे अपने लाइफ टाइम में इतना सेविंग्स नहीं कमा पाते हैं। हाँ जी लेकिन अगर आप यूरोप में या अमेरिका में 70,000 70,000 डॉलर जो होता है वो ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, मतलब बिल्कुल आराम से बिल्कुल यू नो बेच खरीद सकते हो। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर सेकेंड हैंड बोट्स का बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया में नहीं है। तो हाँ अगर आप जी यूरोप में रहते हो तो आप आराम से एक सेकेंड हैंड बोट खरीद के आप मतलब खुद लोग उस पर काम करते हैं और उसको रेडी करके सेल कर लेते हैं। तो आप सही बोल रहे हो, इंडिया में ये करना थोड़ा मुश्किल है। हमारा जो यहाँ का तनख्वाह है, यहाँ की जो आमदनी है, उस हिसाब से तो काफ़ी महंगा पड़ता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं थोड़ा लकी था, क्योंकि 2012 में मैंने जो सरकम नेविगेशन किया वो नेवी ने स्पॉन्सर किया है मेरा, तो अपने जेब से कुछ खर्चा नहीं हो, आई मीन फॉरगेट दैट, मुझको तनख्वाह मिला सरकम नेविगेशन करने के लिए। हाँ जी हाँ जी लेकिन 2018 का जो रेस था उसके लिए मुझको स्पॉन्सरशिप चाहिए था, तकरीबन 4 करोड़ चाहिए था, और मुझको 25-50 लाख के ऊपर नहीं मिला। तो बाकी जो पैसे थे वो मैंने थोड़ा अपने जेब से डाला, काफ़ी कुछ उधार लेके मैंने किया, और रेस के बाद मेरा बोट भी डूब गया, तो हाँ नुकसान जी ही नुकसान था। तो सर हम 2018 पे आते हैं। 2018 में जब आपने स्टार्ट किया, इनफैक्ट मैं आपका वेबसाइट और थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो आपको स्टैंडर्ड आप हो गए थे, तो आपको रेस्क्यू भी किया गया। उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्या चैलेंजिंग थे, कैसा आपका, नो डाउट जब ये हुआ होगा तो मोरल काफी डाउन हो गया होगा, थोड़े से आप डिप्रेस भी हुए होंगे, फिर आपने बाउंस बैक किया, तो आप 2018 के एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए। मोरल डाउन नहीं हुआ, डिप्रेशन भी नहीं हुआ था, गुड गुड ये टू नो, सब आई एम ग्लैड। मतलब हुआ क्या था कि मैं एक तूफान में फंस गया, और ये तूफान मतलब जब इस तूफान में फंसा तो मैं दुनिया के एक बहुत ही रिमोट कोने में था। आप अगर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में एक लाइन खींचे और इंडिया से दक्षिण की तरफ एक लाइन खींचे, तो जहाँ पर ये दो रेखाएं मिलती है मैं उस जगह था, और वो जो पॉइंट था वो तकरीबन 40 डिग्री दक्षिण में था। वो अंटार्कटिक के ज़्यादा पास था कंपेयर टू यू नो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या जो भी जगह है। वहाँ पर फ्रांस के 4 आइलैंड्स हैं, वहाँ पर उसमें से एक आइलैंड जो एम्स्टरडम आइलैंड बोलते हैं उसमें सिर्फ 21 लोग रहते हैं और वो हर साल बदलते रहते हैं। तो इतना रिमोट एरिया है, और उस तूफान में जब फंसा मेरी बोट पलट गई, और जब बोट सीधी हुई तो मैं जो मास्ट होता है जिसमें हम अपने जो सेल को बांधते हैं, मैं उसके ऊपर अटका हुआ था। ये करीब 10 मीटर लंबा मास्ट है, उधर से मैं गिरा, पीठ के बल गिरा और रीढ़ की हड्डी 4 जगह टूट गई। तो उसके बाद मैं ना उठ पाया, ना खा पाया, ना पानी पी पाया, और मैं पड़ा रहा अपने पंख पे। फिर मैंने SOS मैसेज भेजा, और चौथे दिन आके किसी ने मुझको रेस्क्यू किया, और तो 4 दिन के लिए मैं फ्लैट पड़ा रहा, क्योंकि मेरे घुटने में बल नहीं था, मैं पैरों में बल नहीं था, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, मैं मतलब कोशिश करूं तो गिर जा रहा था बार बार। तो मैं जस्ट बंक में फ्लैट था, आइस टी था वो पी रहा था, काफ़ी उल्टी आ रहा था, हिकअप्स हो रहे थे, हिचकी आ रही थी, हिचके कारण सो नहीं पा रहा था, पानी नहीं पी पा रहा था, पानी था ही नहीं, मतलब पानी पीना है तो खड़े होकर पैर से पंप करना है, खाना पका नहीं पा रहा तो खाना भी खाया नहीं, जस्ट पड़ा रहा मैं 4 दिन के लिए। चौथे दिन फ्रेंच एक शिप था ओसायरिस करके, उसने आके मुझको रेस्क्यू किया और एम्स्टरडम आइलैंड ले गया। उधर मुझको थोड़ा प्राइमरी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, काफ़ी सारा मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया, आईवी ड्रिप, ये वो सब किया। एक्सीडेंट होने के 6 दिन अपने जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मुझको फ़ोन किया, तो मुझको पहले लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि वो सच्ची में प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड उनसे जब बात किया तो उन्होंने पूछा कि कैसे हो, मैंने बोला अभी तो ठीक नहीं हूँ, लेकिन अगर खड़ा हुआ अपने पैरों के बल अगर मैं चल पाया तो फिर वापस इसी रेस में जाऊँगा। अब उसके बाद भारत से एक सतपुड़ा करके भारतीय नौसेना की एक शिप आई, उसको हेलीकॉप्टर में शिप में ट्रांसफ़र किया,
और 10 दिन बाद, मतलब एक्सीडेंट के 16 दिन बाद मैं फाइनली इंडिया पहुंचा और मुझको एक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर एक एमआरआई मशीन में मुझको डाला और तब पता चला कि रीढ़ की हड्डी में 4 फ्रैक्चर है। ओ और उन्होंने बोला कि तू एक और बार गिर गया तो मतलब लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज्ड है। तो ऑर्डर दिया गया, मुझको आदेश दिया कि अभी उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेटर है बस। अगले दिन एक स्पेशल प्लेन में डाल के मुझको दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली में जो आर्मी का आरआर हॉस्पिटल है वहां पर भर्ती कर दिया। वहाँ एक और सीटी स्कैन और एक्सीडेंट के 18वें दिन मेरा ऑपरेशन किया। तो पूरा बैक को काट के उसमें जो 5 वर्टिब्रे हैं उनको फ्यूज किया, 2 टाइटेनियम रॉड लगाया हुआ है, बोन ग्राफ्टिंग किया है, काफी कुछ किया है, और वो 5 जो वर्टिब्रे उसको फ्यूज करके डॉक्टर्स ने छोड़ दिया। सर, हमने ना मतलब मैंने जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड में देखा है बीर ग्रिल्स को, तब वो सेल करता है, उसके कुछ दिनों में क्या हालत हो जाती है, और पूरा क्रू होता है उनको रिकॉर्डिंग के लिए, सपोर्ट स्टाफ होता है, और उनको टाइम टू टाइम मतलब खाने पीने को भी होता है, तो मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता इतने रिमोट एरिया में आप कैसे आपने सर्वाइव किया, और कैसे आपने अपनी विल पावर से डेफिनेटली आपने इसको अपना मोरल को हाई रखा। हैट्स ऑफ टू यू, एंड रियली आई मीन इज अमेजिंग अमेजिंग टू हियर सर। उसके बाद फिर आप 2022 में आपने फिर से स्टार्ट किया, तो कैसे आपने आपको आपने रिबूट किया? जब मैं वो 3 दिन बोट पे पड़ा रहा, 3 4 दिन जब था मैं मतलब रेस्क्यू के लिए वेट कर रहा था, उस टाइम उसी वक्त मैं इस अगले रेस का प्लानिंग शुरू कर दिया था मैंने। मन ही मन में मतलब मैं जो प्लान बना था उसमें मतलब कौन सा बोट खरीदना है, किसको मैनेजर बनाना है, कौन मेरा बोट रेडी करेगा, स्पॉन्सरशिप पैसे कहाँ से आएंगे, वाइफ को कैसे बनाऊँ, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। एंड फाइनली मतलब एक वक्त ऐसा था कि मैं चल भी नहीं पाता था, मुझको क्रचेस चाहिए थे या फिर वो वॉकर चाहिए था कुर्सी से उठ के चलने के लिए। और उसी टाइम मैंने एक सेलिंग का बुक मंगवा लिया और मैं पढ़ रहा था, तो वाइफ ने आके पूछा कि फिर से पागलपन शुरू कर रहे हो क्या। तो मैंने बोला कि अगर 5 6 साल पहले जब हम पहली बार मिले, अगर मैंने बोला होता कि मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, ऐसा कुछ हूँ, तो आप शादी करते मेरे से? उन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला वही मैं सेलर हूँ इसीलिए हम साथ में। तो उनको भी समझ में आया कि ये जुनून जो है आसानी से सर, उतरने वाला मैं नहीं। एक उनको थैंक्स बोलना चाहूंगा, दिस पॉडकास्ट इज ओनली पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ हर। उन्होंने मेरा उन्होंने हेल्प किया, एंड थैंक यू मैम, अगर आप इसको देख रहे हैं तो थैंक यू, रियली अप्रिशिएटेड योर सपोर्ट। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। मैं भी कन्वे कर दूंगा उनको। तो उन्होंने बोला कि ये सब ठीक है, लेकिन अगले बार जो है ना थोड़ा प्लान बना के जाओ, पिछले बार की तरह पागलपन मत करो कि पैसे उधार ले लिए, घर में खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, क्या बोलते हैं, किराए देने के लिए पैसे नहीं, और तुम मतलब अपनी धुन में चल रहे हो। आप स्पॉन्सरशिप ढूंढो, अच्छे से एक टीम बनाओ, और आपको जाना है तो जाओ। अब इसके बाद मेरी मदर भी मतलब एक दिन उन्होंने फ़ोन किया और पूछा कि अभी तो बंद करेगा ना ये पागलपन। मैंने बोला नहीं, अगर मैं चल पाया तो शायद एक और बार सेलिंग करके इस रेस में जाने की कोशिश करूँगा। तो मेरी माँ ने भी बोला कि मैं ना तेरे मुँह से यही सुनने की उम्मीद रखे मैंने कॉल किया करके। अब ऐसा अच्छा सपोर्ट सिस्टम था। क्या बात है हाँ, तो 2021 में मैंने फाइनली नेवी से इस्तीफा दे दिया। नेवी से निकल के मैं स्पॉन्सरशिप ढूंढने लगा और बाकी का आप जानते हैं। तो सर, उसके बाद आप की जर्नी अब कैसी है? अभी भी आप कोई नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं, या अभी भी आपको लगता है कि नहीं यार, इनफ इज इनफ नाउ, आई एम क्वाइट सेटल, आई विल गिव माय टाइम टू माय फैमिली, क्या आप आपके क्या प्लानिंग है? देखिए, ऐसा है कि इससे मुश्किल और कुछ मिले तो मैं ज़रूर करूँगा। मेरे ख्याल से गोल्डन ग्लोब रेस से ज़्यादा और मुश्किल कुछ है नहीं। और ऐसे एक रेस में मैंने सेकंड फिनिश किया है जिसने मतलब पिछले 55 साल में इस रेस को सिर्फ 9 लोगों ने फिनिश किया 55 साल में, और इस वाला जो रेस था उसमें मैंने सेकंड फिनिश किया। ग्रेट पूरे जो सेलिंग का इतिहास है इसमें कोई भी एशियाई स्किपर नहीं है जिसने किसी भी राउंड द वर्ल्ड रेस में पोडियम पे फिनिश किया हो। आप वॉल्वो ओशन रेस देखो या बार्सिलोना वर्ल्ड रेस, वॉन्डे ग्लोब, मतलब सारे रेस मिला लो, कोई भी एशियाई स्किपर नहीं है जिसने पोडियम पे फिनिश किया। शायद मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ।
अब इसके बाद इससे और कुछ मुश्किल है तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अपने फैमिली पे ध्यान दे रहा हूँ मैं। ओके ऑसम। तो सर मैं आपके सपोर्ट सिस्टम पे भी आऊंगा, नो डाउट पर्सनल आपको आपकी मदर और आपकी फैमिली वाइफ ने भी सपोर्ट किया, बट अदर देन योर सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, ऐसा था कि जैसे आपको गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिला या आपको हमारे इंडियन नेवी से सपोर्ट मिला फॉर एनी ऑफ योर मिशन, सो कॉल्ड आपका जो सोलो सेलिंग है उसमें कहीं सपोर्ट मिला आपको अनऑफिशियली और ऑफिशियली, आप यू आर फ्री नॉट टू टेल। नेवी से मुझको काफ़ी सपोर्ट मिला है, जैसे 2012 का जो सर्कम नेविगेशन था वो नेवी ने पूरा स्पॉन्सर किया था। 2018 में मुझको जब जाना था तब मतलब नेवी ने मुझको छुट्टी दिया जाके करने के लिए, लेकिन आई मीन 2018 2022 इसके सिवा मुझको सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। मतलब नहीं वो मैं एक्सपेक्ट ना भी कर रहा तो था। हाँ ना तो स्टेट गवर्नमेंट ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, क्योंकि मैंने मतलब देखा है कि हमारे जो एथलेटिक्स भी होते हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स भी होते हैं, वो भी ट्रेनिंग इंडिया में तो करते करते हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से, ओवरसीज भी जाके वहां पे ट्रेनिंग करते हैं अपने, देखिए तो इसमें इसमें कोई गलत बात नहीं है, सरकार एक लिमिट तक एथलीट्स को सपोर्ट करती है, इसमें डाउट नहीं है। और एक और चीज़ है कि हमारे यहाँ ग्रास रूट सपोर्ट बहुत कम है, लेकिन अगर आपने एक लेवल तक आपने कुछ हासिल किया तो उसके बाद फेडरेशन और गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ कि मैंने एक नॉन स्टॉप किया था ऑलरेडी, ठीक है, और एशिया में ऐसे दो दो ही लोग थे जिन्होंने नॉन स्टॉप सर्कम नेविगेशन किया। इसके बावजूद जब मैं मतलब सरकार से हेल्प करने के लिए हेल्प मांगने के लिए गया तो मुझको कुछ हेल्प नहीं मिला है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब 1% भी नहीं मिला है मैं बोलूँगा। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है सर, जैसे हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनफैक्ट वैसी गवर्नमेंट है कि आप पहले अचीव करो उसके बाद रिम्बर्स होगा उसके बाद भी नहीं मिला मुझको कुछ। उसके बाद भी नहीं मिला। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अगर आपके जो एक्सपेंसेस हैं आप पहले उनको सक्सेस लेके आओ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सर्टिफिकेशन करता हूँ तो अगर मैं सर्टिफिकेशन क्लियर करता हूँ तो उसके मुझे $50 मिल जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन से, अगर मैं नहीं करता तो वो मेरा $50 जो मेरा पर्सनल है दैट इज गॉन। तो एनीवे मतलब नो डाउट ये गवर्नमेंट को नॉट इवन सेलिंग, इनफैक्ट ग्रास रूट पे ध्यान देना चाहिए, और जहां पे भी हमारे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है इंक्लूडिंग सेलिंग है बोटिंग है उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई आपकी तरह पैशनेट है, हॉबी रखता है, तो उसको उसके फर्स्ट 3 या 4 स्टेप्स क्या होने चाहिए जो आपको अपना रोल मॉडल मानता है, या क्या सोचता है कि यार मुझे भी कुछ चैलेंज लेना है लाइफ में, कुछ डिफिकल्ट करना है, टफ करना है, तो आपके क्या एडवाइस होंगे यंगस्टर्स को? पहला कदम छोटा होना चाहिए हमेशा, और एक कदम के बाद अगला कदम, फिर अगला कदम, ऐसे कदम एक एक करके रखते जाएंगे तो 4 साल बाद पता चलेगा कि आप कितने आगे आ गए हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे लोग मुझसे बात करते हैं तो उनको सीधा एक सर्कम नेविगेशन करना है, कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि सेलिंग सीखो या फिर सेल करके देखो कि उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं, उनको सीधा सर्कम नेविगेशन करना है। मैंने सेलिंग शुरू किया 99 में, मेरा जो पहला नेशनल मेडल आया है वो 2016 में आया है, 17 साल बाद। मैंने जो सर्कम नेविगेशन किया वो 2012 में मैंने पहला सर्कम नेविगेशन किया, वो भी सेलिंग शुरू करने के करीब 15 साल बाद। टाइम लगता है लेकिन लोगों को क्या होता है कि इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, और वो रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और अपने अपने खुशी के लिए नहीं करते ये सब। तो मेरा एग्जैक्टली यही एडवाइस है कि आप रिस्क लीजिए, छोटा छोटा रिस्क लीजिए, और जो फाइनल बड़ी चीज़ करेंगे वो शायद 10 साल बाद आएगा, 15 साल बाद आएगा, और आप जो भी देख रहे हैं वो काफ़ी सालों का मेहनत का नतीजा होता है ये सब। बिल्कुल सर बिल्कुल, मतलब करक्स यही है कि शॉर्टकट मत ढूंढिए, स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप लीजिए, धीरे 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 अपनी मंजिल की तरफ चलिए। अगर आप बिल्कुल ही टारगेट लगाकर चलेंगे कि नहीं मुझे स्टार्ट ही माउंट एवरेस्ट से करना है तो डेफिनेटली काफी प्रॉब्लम आएगी माउंट सर एवरेस्ट तो आसान है माउंट एवरेस्ट आसान बिल्कुल है, लेकिन वही होता है ना, मतलब काफ़ी लोग होते हैं जो सिर्फ नाम के लिए करना चाहते हैं। हाँ जी जैसे अगर मैं बोलूं कि यू फोकस ऑन सेलिंग, आप सेलिंग से प्यार कीजिए, तो आप कुछ भी करें, आप मतलब जस्ट एक लेक में बोट लेके जाएं या फिर समंदर में
छोटी सी कश्ती लेके जाएं या सर्कम नेविगेशन करके आएं, आप खुश रहोगे। ठीक है, आपको फायरिंग करना है, शूटिंग करना है, हर जो गोली आपसे आपके बंदूक से निकलेगी ना, आपको उसमें से खुशी मिलेगी। लेकिन लोग इतना रिजल्ट पे ध्यान देते हैं कि जब तक ओलंपिक में मेडल नहीं आता, जब तक वो ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, वो निराश ही रहते हैं। सर, एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन है मुझे आया है कि आपने सोलो ट्रेवल किया है अक्रॉस द ग्लोब, तो आप क्या एक रूट, एक मैप को आप प्रिपेयर करते हैं? आप प्लान ए प्लान बी भी लेके चलते हैं कि अगर वहां कुछ मौसम खराब हुआ, तूफान आया, तो आप रूट भी चेंज करते हैं क्या, मतलब ड्यूरिंग योर सेलिंग, या जो आपका रूट होता है उसी पे स्टिक रहते हैं? देखिए, रूट जो होता है जनरली दो टाइप का आप बनाते हैं। एक मतलब स्ट्रैटेजी होता है, जैसे कि आप अगर, जैसे मैं पिछले रेस का उदाहरण देता हूँ, जब आप फ्रांस से निकलोगे तो पहले आपको बे ऑफ बिस्के क्रॉस करना है। वो क्रॉस करते नॉर्थ अटलांटिक में साइक्लोन सीजन है, जब आप वो साइक्लोन का एरिया क्रॉस करेंगे तो आपको अजोर्स का हाई प्रेशर एरिया मिलेगा। उसके बाद आपको इक्वेटर क्रॉस करना है, इक्वेटर क्रॉस करके आपको ट्रेड विंड मिलेगा, उसके बाद आपको सेंटेलिना का हाई प्रेशर मिलेगा, उसके बाद आपको केप टाउन गेट क्रॉस करके फिर आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना है। तो इनके लिए मोटा मोटा प्लान होता है। ठीक है, आप ऐसे नहीं कि एक सीधा लकीर खींच के एकदम सीधा चले जाओगे, एक मोटा मोटा प्लान होता है। लेकिन जैसे आप प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हो, आपको मतलब बीच बीच में कुछ वेदर अपडेट मिल जाएगा कि यहाँ तूफान है, यहाँ कम हवा है, यहाँ ज़्यादा है, जो भी है, यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रही है, जो भी है, उस हिसाब से आप अपना जो बड़ा प्लान है उसको चेंज करते रहोगे। तो ऐसा नहीं है कि आप एक एक ट्रिप में जाने से पहले ही आप पूरा रूट डिसाइड करके फिर आप सिर्फ उसी लकीर पे चलोगे करके। सर, मैंने एक सुना, एक डायरेक्ट पैसेज है बिटवीन साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में, तो आपके कहीं पे वो आता है या उसको नीचे से या ऊपर से निकल जाते हैं? क्योंकि वो नहीं मैंने नहीं बहुत क्या सुना उसके बारे में, बड़े बड़ी स्टोरी सुनी है। समझा नहीं, मैंने उधर से ही तो निकला हूँ मैं, केप हॉर्न हाँ, घूम के मैं आया वही हूँ। कह रहा हूँ, तो मैंने सुना है कि उसमें भी होता है कि किसको बोलते हैं कि सॉफ्ट डायरेक्ट और हार्ड डायरेक्ट, आज टाइड्स 10 मीटर्स तक हैं, 15 मीटर तक हैं, और कभी ये बिल्कुल बड़ा शांत होता है, तो उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है वहां से निकलने के लिए? वहाँ कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता, वहाँ पर मतलब जस्ट क्रॉस करो बस। मतलब 10 मीटर होता है, 10 मीटर तो मतलब 10 मीटर तो आपको आपके ट्रिप में कई बार मिलेगा। 10 मीटर तो नॉर्मल होता है, आपको कभी 15-20 तक मिल जाता है लहरें। जैसे मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम तो मुझको आराम से 15 मीटर का मिला था वेव्स। तो सर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि अब आप को लगता है कि आप ऐसे ट्रेनर यंगस्टर्स को ट्रेन करें, या एक जैसे हमारे जनरल एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक कोई ट्रेनिंग स्कूल खोलें, या जहां पे आपके एक्सपीरियंस हैं, जहां पे आपकी नॉलेज है आप शेयर करें, या कुछ ऐसा आपका कोई विजन है कि आप ऐसे करेंगे, या अभी आप अनदर 4 अनदर 5 ईयर्स और 7 ईयर्स यू वुड लाइक टू कंटिन्यू सेलिंग एज ए सोलो, और किसी के साथ आप फिर से किसी मिशन पे जाएंगे? देखिए, सेलिंग स्कूल तो मैं खोलने से रहा, मतलब इंडिया में इतना ब्यूरोक्रेसी होता है और सेलिंग जोखिम भरा स्पोर्ट होता है, उसमें किसी को कुछ हो गया तो सीधा मेरे ऊपर रहेगा। और आपको क्लियरेंस चाहिए, मतलब समंदर के पास कोई कुछ सेटअप करना है, आपके पास सीआरजेड रूल आएगा, पंचायत का रूल आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का आएगा, इसका आएगा, उसका आएगा। हाँ, तो मतलब मैं तो करने से रहा, फिलहाल सेलिंग भी नहीं करूँगा मैं। लेकिन अभी मैं दो नेवी के लेडी ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहा हूँ, वो अक्टूबर में निकलेंगे इंडिया से और एक सर्कम नेविगेशन के लिए जा रहे हैं, कूल। वो ट्रेन कर रहा हूँ मैं। तो सर, खाली टाइम में क्या करते हैं आप? यू वॉच मूवीज, रीड बुक्स? जैसे मैं काफी बुक्स पढ़ता हूँ, स्पेशली नॉन फिक्शन, तो आप अपना खाली टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? पता नहीं कितना मिलता होगा आपको, बट जैसे आप सेल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, मतलब सेलिंग कोई में हाई तो टाइड्स नहीं है, कोई ज्यादा रैपिड्स नहीं है, आराम से आप बैठे हैं, तो आप बुक लेके जाते हैं या म्यूजिक सुनते हैं, आई पॉड सुनते हैं, क्या करते हैं? देखिए, म्यूज़िक के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगता है और वो थोड़ा महंगा होता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके लिए हमको फ्यूल जलाना पड़ता है। हाँ जी, बुक्स ले जाता गुड। हूँ, बुक्स काफ़ी पढ़ता हूँ मैं। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, एंड इट्स ऑलमोस्ट वी आर 2 मिनट्स ओवर फ्रॉम आवर ओरिजिनल स्केड्यूल। आप मेरे शो में आए सर, वंस अगेन ए बिग थैंक्स फॉर कमिंग हियर, एंड थैंक्स टू योर वाइफ आल्सो फॉर मेकिंग थैंक यू इट सो हैपन। मच। थैंक यू वेरी मच सर।